can't believe it's over. Don't cry, baby. Please, baby, be positive. Forget about me. You're so beautiful, yaar. Really, both options are a lot of fish in the sea. It's not you. It's not you. It's the format of the show. The format of the show. Ek last time, please. Thanks. I'm going to miss you. I'm going to miss you. वेलकम टू एमटीवी सेंटर फूड कॉमेडी बेस कैंप. मैं हूं डॉक्टर साइरस ब्रोचा. तो अब ऑडिशन की प्रोसेस है. लेट मी इनवाइट एक फेलो जज, द वन एंड ओनली गौरव गेरा. डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, थैंक यू. कम ऑन, जॉइन अस. रेडी? जी सर. वी लुक एट द ऑडिशंस, ओके, एंड देन वी डिसाइड टॉप फोर. ओ तेरी. हां, और हम अक्सर कहते हैं ना कि चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे. उन चार लोग में से हमेशा एक इंसान नेहा होती है. ओपनिंग में होता है ना कि बैंग, वो थोड़ा कम लगा. इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि टाइम नहीं है इसमें, टाइम फैक्टर है इसमें. तो ऑब्वियसली दो मिनट में इम्पैक्ट अगर नहीं हुआ तो देयर इज नो पॉइंट. मैं शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी. क्या सिर्फ ये सोचना था कि गुजराती स्नैक्स को स्नेक सिर्फ बोलते हैं, दिखते नहीं. It's funny and she's got a smile, pleasant, है ना? Exactly what you said, कि personality बहुत entertaining है. China's amazing with cricket. I'm not really surprised. I mean, come on, we all know that they're obsessed with bats. इंग्लिश बहुत बोलता है लड़का. इंग्लिश बहुत बोलता है, पर उसका कंटेंट बहुत बढ़िया. नहीं, अब ऐसे अच्छा है. लॉट ऑफ पीपल आर कंप्लेनिंग कि उनका पैंडेमिक खराब था, यू नो, 2020, 2021. नॉट माइन, क्योंकि मेरा उससे पहले से ही खराब चल रहा है. सो नॉट बैड, नॉट 100% येट. अभी यही है, अभी कुछ नहीं कर सकते. मतलब मुझे नहीं पता कि मेरा नाम रखते वक्त मेरी आंट क्या फूंक रही थी. हिज स्टाइल ऑफ डिलीवरी इज लाइक अ दिल्ली सो बहू. या जैसे ऐसे बोलती है, आपको क्या लगता है मैं आपका बेटा लेके भाग जाऊंगी, है ना? देखता हूं. सी, आधार कार्ड देखकर उसे कैंसिल मत कर दे. मतलब मेरा नाम इतना लंबा है ना कि मेरे पास आधार कार्ड दो है, और मैं बांग्लादेश से भी नहीं हूँ. टॉप फोर में आ सकते हैं वो, मुझे लगता है. यार मैंने सुना है तुम्हारे पंजाब में हर बंदे का रिश्तेदार कनाडा में है. एंड यू नो आई रियली हेट दिस स्टीरियोटाइप बिकॉज़ इट्स ट्रू. अच्छा, इंटरेस्टिंग टेक. देखो, फनी का तो पता नहीं, बट एक बहुत सैड चीज है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, और वो है इस देश का यूथ. सीरियसली, मतलब उससे ज्यादा सैड कोई चीज ही नहीं है. मतलब लोग कह रहे हैं यूथ देश बदलेगा, यूथ देश बदलेगा, यूथ तो यार डीपी बदलने में लगा है. ऑब्जर्वेशन तो है, अच्छा तो था. तो कौन है टॉप चार में? आई लाइक उत्कर्ष, पोटेंशियल तो है उत्कर्ष में. मुझे वो अच्छा लगा था, वो तो 100% आ गया. ग्लेन वाज इंटरेस्टिंग आल्सो, और नैंसी दीक्षित, और लास्ट पुलकित कोचर या उत्कर्ष. पुलकित. तो फाइनल गौरव का सिलेक्शन है नैंसी दीक्षित, ग्लेन सल्दाना, श्रीवल्लभ भट्ट एंड पुलकित कोचर. लेट्स मीट द कंटेस्टेंट्स. नंबर वन, श्रीवल्लभ भट्ट. अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान, एक सर्कस क्लाउन हूं मैं. सर्कस क्लाउन, आई एम फ्रॉम द सर्कस, शो सम रिस्पेक्ट बेटा. एनीवे, वेल प्लेड सर. सो फार प्लीज जॉइन श्री वल्लभ. नैंसी दीक्षित. नैंसी, एक जोक सुनाओ ना. एक जोक सुनाओ. नहीं नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, गो एंड सिट डाउन, रिलैक्स 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 रिलैक्स. ग्लेन सल्दाना. ये वो क्या है? ऑटोग्राफ. ऑटोग्राफ देखा? ठीक है, ओके. एनी अदर बॉडी पार्ट्स? नो नो, ये काफी है. ओके, कन्फाइन टू दैट. ग्लेन, थैंक यू. परंतु व्हाट डू वी हैव कमिंग नेक्स्ट? अपना जज, द वन एंड ओनली डबल जीज, गौरव गेरा. ऑर्डर 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 ऑर्डर. मैं जज हूं तो ऑर्डर ऑर्डर. ओह
और मैं इतना बैड ऑडियंस हूं कि मुझे समझ नहीं आया. देखो देखा, व्हाट इज दिस एंड वी आर द प्रोफेशनल्स. वी हैव वन मोर एक्सट्रीमली ग्रेट जज हु इज गोइंग टू जॉइन अस. भुवन दो राउंड होंगे और हर राउंड के बाद हम आपको स्कोर करेंगे ओनली आउट ऑफ फाइव. विनर को मिलेंगे 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज, और मोर इंपॉर्टेंटली यू गेट टू गो नियर एवरेस्ट बेस कैंप. ओके, आज हम खेलने वाले हैं ट्रूथ एंड ट्रूथ. गौरव, भुवन और मैं बेसिकली आपसे ऐसा कुछ सवाल पूछेंगे और आपको देना है उसके जवाब ट्रूथफुली एंड विटली. फॉर एग्जांपल, इफ यू कुड गो बैक इन टाइम, गौरव जी, व्हाट इज द वन थिंग यू वुड डू डिफरेंटली? हम इस शो के लिए मना कर देते, आपके साथ खड़े होने में कोई इंटरेस्ट नहीं. सेम सवाल भुवन जी, सॉरी भुवन बी, सेम सवाल. आई स्टॉप वरिंग अबाउट द फ्यूचर. ये बहुत इंटेलेक्चुअल आंसर है. 5 मिनट ब्रेक व्हाइल यू थिंक अबाउट आंसर. Ready guys, quick reminder, you have to answer truthfully, that's all. Nancy, yeah. अगर आपका ex ice cream होता, तो कौन सा flavor होता? Dark chocolate ice cream होता वो, क्योंकि उसका काम ही जिंदगी में कड़वाहट फैलाना है. Okay Glenn, आपको बुलाते हैं. अगर आपके लाइफ के ऊपर एक टीजर हो तो उसका वॉइस ओवर क्या होगा? So basically, मैं रेडियो भी करता हूँ. It'd be something like this. करता हूँ माता 10/10. नहीं करता किसी को offend. Hey, what men? Axe men? Tell men? Who men? Che men? Put your hands together for RJ Glenn. Men. Shri Vallabh. Last 3 internet searches के हैं. सच्ची बताना. First would be how to become an extrovert without meeting more people. Like. Second would be, sir, there were no complications, but my mother still had to go through cesarean during my birth. Is it because I am claustrophobic? And third would be PPPPPPP, sir. Sorry, sir, वो keyboard पुराना है ना, तो P अटक जाता है. और पुलकित, अगर आप माउंट एवरेस्ट पे अकेले फंसे, तो आप किसके साथ होना चाहेंगे और क्यों? Either a javelin thrower or a नेता. Because दोनों बहुत दूर तक फेंकते हैं, मुझे मेरे घर तक तो फेंक ही देंगे. और इसी के साथ 6 रन. Nancy, if you were a type of cuisine, which one would it be and why? सर, मैं होती गुजराती cuisine. क्योंकि आपको लगता है कि मैं पूरे टाइम स्वीट हूँ, लेकिन तब तक जब तक आप पूरी प्लेट की थाली चटनी कर जाते. बहुत खूब. ग्लेन, अगर आप एक प्रोडक्ट होते तो आपका टैगलाइन क्या होता? आई वुड बी अ बैटरी. ओके, बिकॉज आई कैन चार्ज यू एंड टर्न यू ऑन. श्रीवल्लभ, अपने बारे में सबसे एक एम्बैरेसिंग फैक्ट बताना. सच बोला. बर्थ. वाह, न जाने कितनों का यही होगा. अच्छा अच्छा. पुलकित, इफ यू कुड गो बैक इन टाइम, व्हाट इज द वन थिंग यू वुड डू डिफरेंटली? करंटली तो मैं 2019 में जाता, केमिस्ट से एक बैट मारने वाली जहर खरीदता और चाइना की पहली फ्लाइट पकड़ता. दूरदर्शी. सही, इंटरनेशनल खिलाड़ी. दुनिया को बचाता. हाँ ठीक है, अब डेंजरस सिचुएशन है, बिकॉज़ हम लोग को सोचना पड़ेगा. ऑन है 1, 2, 3 और 4. चारों के चारों बहुत स्पॉन्टेनियस. रियली ऑल बेस्ट पार्ट. बेस्ट पार्ट, हम लोग बहुत एंजॉय किया. श्री वल्लभ, जो आपने लास्ट जवाब दिया था, the embarrassing Good. Fact about you, bang on. Bang on, bang on. Really funny and super intelligent answer. Pulkit has been my favorite abhi tak, kyunki Pulkit apne hi kuch zone mein hai aur bahut hi sahi jawab lage, followed by Nancy. Really loved your performance. Aur Glenn, aapka jo presence hai, stage presence, wo yahan maujood sab logo se bahut acha hai, bahut hi acha hai. All right. अगला आवाज जस्टिस गौरव गेरा. तो फर्स्ट राउंड के हिसाब से रैंकिंग 4 पे जिसको मैं देना चाहूंगा ग्लेन, एंड डेफिनेटली अगला राउंड है आपके लिए. नैंसी नंबर 3, सेकंड नंबर पे मैं अभी श्रीवल्लभ को कहना चाहूंगा. श्रीवल्लभ एंड पुलकित, योर नंबर 1 इन दिस राउंड. पुलकित, तूने कर दिया हमारा मूड टिंग टॉन्ग. Yeah.
ये है राउंड टू, यू विन 2 लाख रुपया एंड अ चांस टू परफॉर्म कॉमेडी नियर एवरेस्ट बेस कैंप. लेट्स स्टार्ट विद हमारे डेली सोप की बहू श्रीवल्लभ. श्रीवल्लभ अच्छा हुआ कि आप तीनों में से ना कोई भी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2.5 मिनट परफॉर्म करके निकल जाता हूँ ना तो कभी भी खुश नहीं होती लाइक. अरे सर ना मेरे पापा ना बहुत भुलक्कड़ है, मतलब वो इतने भुलक्कड़ है कि खुद की शादी में दूल्हा दुल्हन को मिलने के लिए लाइन में खड़े थे. फिर वहाँ पे स्टेज पे माँ अकेली हो गई, तो ये लॉन्डो की लाइन देख के ये शादी कम माँ का स्वयंवर ज़्यादा लग रहा था. लास्ट वीक मॉम का बर्थडे था, एज यूजुअल पापा भूल गए, तो लास्ट मोमेंट पे मेरे पास आए तो मैंने बोला कि कुछ ऐसा गिफ्ट करते हैं ना जो यू नो खरीदने में बहुत ईजी हो. तो फिर हमने माँ को न्यूज चैनल गिफ्ट कर दिया. और खुद का चैनल खरीदने के बाद हमें पता चला सर कि ये जो कंपनीज है ना वो एडवर्टीजमेंट के नाम पे कुछ भी बकवास प्रोडक्ट बेच रहे यार, कुछ भी. मतलब हमारे घर के टूथपेस्ट में आज इतना नमक है कि एक बार दादाजी ने गलती से दिन में 2 बार ब्रश कर लिया तो हाई बीपी से उनकी डेथ हो गई. हाँ, आजकल के टूथपेस्ट में इतना नमक होता है कि वो तांत्रिक लोग भी सिर्फ स्माइल देख के भूतों को भगा रहे यार. मतलब एक दिन हमारे घर पे रिलेटिव्स आए तो माँ ने चाय बनाते वक्त पानी में शैम्पू डाल दिया, इसलिए नहीं कि उसमें अदरक होता है, वो रिलेटिव्स पापा की साइड से देना तो लाइक. सर इंडिया में ना ऐसे स्कैम होते हैं, मतलब हमारा मुंबई में 200 स्क्वायर फीट में 3 BHK है, मतलब हमारा घर इतना छोटा है ना कि हम माइक्रोवेव भी फ्रिज में रखते हैं. हमारा घर इतना छोटा है ना कि हमारी कामवाली बाई भी हमारा पूरा घर सिर्फ फूंक करके झाड़ देती है. हमारा घर तो इतना छोटा है कि हम एज अ पेट सिर्फ चींटियां पाल सकते हैं. ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे घर के दोनों बाथरूम इतने नजदीक है ना कि आप ऐसा हाथ बाहर निकाल के दूसरे को साबुन लगा सकते हो. तो एक दिन पापा फ्रिज में चाय गर्म कर रहे थे तो अचानक से 4 मेहमान आ गए हमारे घर पे, तो रात को सोते वक्त इतनी भीड़ हो गई कि मॉम डैड ने मुझे प्लान नहीं किया था फिर भी मैं हो गया. ये एक्ट के एंड में आप एक कॉल बैक एक्सपेक्ट कर रहे होगे ना, स्मार्ट कॉल बैक, लेकिन मेरे नसीब की तरह ये स्क्रिप्ट भी पापा ने ही लिखा था तो भूल गए. सुपर फिल्डर. ऑलराइट, ही थ्रोस पंचेस लाइक अ जैवलिन, पुलकित कोचर. Hello everyone, I'm an introvert. You guys must be thinking introvert log stand up kaise karte hain. So I pretend to be an extrovert. You know, I pretend to be confident all the time. Like you know how rich people pretend ki apna agar avocado kha lenge to maybe unki mental health better ho jayegi. Nahi hoti guys. 400 ka ek aata hai. Now I'm depressed and poor. I fake it all. I fake everything so that I, you know, look confident. जैसे स्कूल में अपने मार्क्स के ऊपर पेरेंट्स के साइन में फेक कर देता था, यू नो बॉस के जोक पे हंसना पड़ता है फेक टू गेट एन अप्रेजल, और लाइक हाउ योर गर्लफ्रेंड फेक्स. सॉरी मैं आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स के जोक्स नहीं करना चाहता. मैं यहाँ कॉमेडी करने आया हूँ, आपके दुख याद करवाने नहीं आया. सो आई अवॉइड दैट जोक. आपके गर्लफ्रेंड. सो जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, they lie to their friends the same way extroverts lie to their parents. ki ha ma mummy ha 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 rashmi ke ghar mein group study kar rahi hu ha 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 koi ladka nahi hai. imagine an introvert guy like me asking for an appraisal. so the problem here arises is ki main help mangne jata hu but main help provide kar deta hu, that's the problem. for example I'm going to the my boss room, I'm like okay Pulkit you have to go inside, you have to simply say 2 lines. okay, hi sir I'm Pulkit, I think I'm a great asset to the company, I provide a lot to the table and I think I should get more for it. hi sir, sir wo rent bahut badh gaya mera sir. 5-10 rupaye badh jate to Pulkit I don't think at this. ha sir main samajh gaya. nahi aap bhi to rent dete ho ghar ka office ka. ha main samajh gaya sir. आपकी बेटी भी तो एवोकाडो खाती, कितना महंगा मेरे को पता है, उसने 1 किलो खरीदा मैंने 1 खरीदा. नहीं नहीं थैंक यू सर, थैंक यू. आपको लोन चाहिए हो तो मेरे अकाउंट से लेना सर. वेरी गुड, सुपर. ऑलराइट, वेल डन पुलकित. हमारे अगली कॉन्टेस्टेंट द वन एंड ओनली नैंसी दीक्षित. हाय, आज की ताजा खबर मेरी हो रही है लव मैरिज. खुश होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आ रही हूँ एकदम टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से. मतलब इतनी जोर की मिडिल क्लास फैमिली है मेरी
कि जब हमारा टूथपेस्ट खत्म होता है तो वो बेलन से निकालने वाला पेस्ट जो है वो पुरानी तकनीक हो गई है, हम उसको काटते हैं पीछे से, उसमें घुसाते हैं ब्रश और फिर निकालते हैं पेस्ट। अच्छा। और ऐसा हम करते हैं 10 दिन तक, जब तक हम उसके 30 रुपए 25 पैसे का 25 पैसे वसूल ना कर लें। तो ऐसे घर में लव मैरिज होना मतलब परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन के टोटल खिलाफ जाना। और लव मैरिज की क्या मार्केट रेपुटेशन है, लव मैरिज सब पागल बना रहे तुमको, क्योंकि जो तुम और पूरी दुनिया लव मैरिज देख रही है वो देख रही है इंस्टाग्राम पे सेलिब्रिटीज की, तो उनकी वास्तविकता तुम्हारी लव मैरिज की वास्तविकता से एकदम अलग है। ठीक है, क्योंकि उनके तो हजारों साल से अफेयर चलता है, र्यूमर चल रहा होता है कि ये लोग इतने साल से डेट कर रहे हैं, उसके बाद भी खुला घूमते हैं, साथ में रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और साथ में वापस आते हैं, हमारे यहाँ जाओ फेंटा बांध के पूरे शहर में घूम रहे होते हैं, अलग अलग साथ में अलग अलग गाड़ियों पे क्वालिटी टाइम के नाम पे। और अगर रेस्टोरेंट में जाना होता है ना खाना खाने, तो पहले एक जना अंदर घुसता है, दोनों के हिस्से का देख के आता है, किसी का चाचा मामा फूफा मामी की ननद की देवरानी की जेठानी की चचिया सास तो नहीं है वहाँ पे, और दोनों खाना खाते हैं फेटा बांध के इंटैक्ट, फिर वापस आते हैं अलग अलग। ऊपर से आप आ जाओ इंस्टाग्राम पे, ये बड़ी बड़ी एकदम सेलिब्रिटीज की उसमें होती है फोटो, उसमें एक छोटा सा एक कोट लिखा होता है, इफ ही इज होल्डिंग योर हैंड एंड नेवर लेटिंग यू गो एवर देन ही इज द वन बेब। सुनो जी, ऐसा है, पहली चीज़ तो ये है कि मिडिल क्लास फैमिली के झोली में कपल्स में ना ये खुशियाँ भगवान ने डाली ही नहीं है, पहली बात तो, कि हाथ पकड़ के हम बीच बाजार में चलें, हमारा वाला आज भी 200 मीटर की दूरी पे चलता है बीच बाजार में, फूफा जी की दुकान है बीच बाजार में, ठीक है ना। और उसके बाद कौन कहता है कि लाइट ट्रैवल्स फास्टर देन द साउंड, भूल जाओ सब झूठ है, अ कुंवारी लड़की रोमिंग अराउंड विद अ कुंवारा लड़का इन द मिडल ऑफ द क्राउड ट्रैवल्स फास्टर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। और अगर तुम्हें पता करना है ना ही इज द वन, देसी तरीका ये, बढ़िया खाओ दाल चावल, मारो डकार उसके मुंह पे बिना सॉरी और एक्सक्यूज मी बोले, और अगर वो कुछ ना बोले देन ही इज द वन। हैशटैग मिडिल क्लास फैमिली थॉट्स। थैंक यू नैंसी दीक्षित, वेल डन। एंड अभी अंग्रेजी बाबू ग्लेन सल्दाना। मैंने रियलाइज किया कुछ लाइफ में, इंडिया में लोग रोड क्रॉस नहीं करते, गाड़ी को आशीर्वाद देते हैं। In my late 20s, now I need a physio. In my early 20s, life was all dramatic, emotional. Jab jab dard ka badal chhaya, jab gham ka saaya lehraya, humne samjhaya dil aakhir kyun hota hai. It was all about, oh my God, my life is full of shit. In my late 20s, oh my God, what is this shit? I went from emotion to lose motion in no time. Main apne dost logo ko bolta nahi, mera shaadi ho gaya. Koi vishwas hi nahi karta yaar. Last time I told my friend, hey man, this is my wife. He was like, she married you. You married him. Today I know what Hardik Pandya feels. Not that he's bad looking. He's gorgeous. It's just that she's better like mine. Yahan tak mere papa ne bhi mera vishwas nahi kiya. Maine kaha, papa ye dekho, ye aapki nayi bahurani. Ye meri shaadi ho jayega. Papa khana kha rahe the, unhone plate rakha side mein, bola, beta dekho, नमक स्वाद अनुसार लड़की औकात अनुसार। पापा को भी पता चल गया, she was out of my league, मी कड़े ती तिकड़े। We did something out of our league recently. हम लोग छुट्टी पे गए थे, I packed for 7 days, she packed for 7 जन्म, and everybody wonders this what is there in a lady's bag. तुम्हारे लेडीज का पता नहीं लेकिन मेरा पता है, क्या चाहिए तुमको? कुतुब मीनार मिलेगा, Eiffel Tower मिलेगा, but the rock is cooking, वो भी मिलेगा। But the answer to, baby, I have nothing to wear, ये उसको नहीं मिलेगा। And to all the men in the galaxy, I just have to tell you one thing, तुम यार जब अपने पार्टनर के साथ ट्रिप पर जाते हो ना, तुम हस्बैंड नहीं हो, यू आर जस्ट अ फोटोग्राफर। मेरी बीवी ने मुझसे इतने फोटो खिंचवाए ना, कल को मेरे बच्चे पैदा हो गए ना, तो उनकी बॉडीज में there will be no cells, they will have pixel and megapixel. That's my time, ladies and gentlemen. Thank you. Super, Glenn, super. और ये है कंक्लूजन, पीपल आर टेंस, पीपल आर वरीड। आई होप यू ऑल्सो रियलाइज कि ये कुछ बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता लाइफ में, यू विल डू बिगर थिंग्स। मैंने हमेशा स्टैंड अप
ऑडियंस पीओवी से ही देखा है. मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया, एक बार गलती से किया था, उसके बाद नहीं करूंगा क्योंकि आई नो इट्स सो टफ, स्टैंड अप इज सो टफ और आप जो कर रहे हो बहुत जबरदस्त है. बट सबके बारे में एक एक कुछ कहना चाहते हैं, बोलना पड़ेगा और सिंसियर जज प्लीज. तो श्रीवल्लभ, आई हैड रियली लाइक योर ऑडिशन. यू रिएक्ट टू थिंग्स वेरी ब्यूटीफुली. आई रियली लाइक द स्पीड ऑल्सो, और टका टक मारा मशीन गन के जैसा टुंग 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 टुंग. पुलकित, आपने भी बहुत फनी आपकी चीजें हैं, आपने बहुत फनी सेट्स पकड़े हैं, डिलीवरी भी बहुत अच्छी थी इनकी. आपकी जो एक्टिंग और वॉकिंग स्टाइल वो बहुत यूनिक है भाई. कई जगह फंबल्स हुए और वो जोक तक पहुंच ही नहीं पाया मैं एंड तक, बट अदरवाइज सेट अच्छा था, बहुत टाइट था. नैंसी, लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट राउंड एंड द सेकेंड राउंड, तो दोनों में ही जमीन आसमान का फर्क था, काफी फर्क था. प्लस एवरी जोक लैंडेड सो वेल और एक फ्लो बना हुआ था बहुत अच्छा. Glenn, again, I think your script was really packed with a variety of stuff. You are a great storyteller. आप बहुत अच्छे से बताते हो और मेरे को constantly हंसी इस बात की आ रही थी कि when he's talking about Eiffel Tower, he's looking down. वो इतना लंबा है वो Eiffel Tower गया, Eiffel Tower देख गया. Fourth, अगर हम सरल भाषा में बोले fourth. Pulkit भाई, that's you मेरे भाई, so sorry. But well done, really well done. Great comedy, yaar. Great comedy. Number three, Shri Vallabh. बहुत पसंद आया आपका जो भी प्रेजेंस था, जैसा भी था. हम लोग तीनों बहुत हंसा, it was really funny. Yeah. इसके हाथ में जा रही है कि ट्रॉफी जो पहाड़ों में वादियों में कर रहा है शो, करेक्ट, वो हैं ग्लेन. ग्लेन, वेल डन नैंसी, वेल डन, वेल डन, वेल डन. आज का चैंपियन बल्लेबाज है द वन एंड ओनली ग्लेन सल्दाना. और ग्लेन, आपको ये ट्रॉफी मुबारक हो. ये Come on, boys, come on. Remember, the show is MTV Centerfruit Comedy Base Camp. Thank you for watching. 5 great episodes. Well done, guys. Bye bye. See you soon. Tab tak, let's dance and laugh.